हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा के कुछ बिहाइंड द सीन और कुछ तस्वीर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को कर दें प्रेस ताकि हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान का टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा है। लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की खास बात यह है कि इसके डायलॉग बहुत ही जबरदस्त हैं। दानिश तैमूर के फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। मुझे तो लगता है कि ये ड्रामा हिट ही सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि इसमें दानिश तैमूर हीरो हैं। दानिश तैमूर कहते हैं कि उन्हें ऐसे रोल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है जिसमें वो हीरो भी खुद ही होते हैं और विलन भी खुद ही होते हैं। जैसे कि इनके बहुत सारे ड्रामास, जैसे कि दीवानगी, उसके बाद इश्क है, इन ड्रामों में दानिश तैमूर विलन भी खुद ही होते हैं और हीरो भी खुद ही होते हैं। दानिश तैमूर का कहना है कि उन्हें ऐसी स्टोरीज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं ऐसी स्टोरीज में। और कहती हैं, दौरे फिशा कहती हैं कि उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया दानिश तैमूर के साथ, लेकिन फाइनली आप जाकर उन्हें मौका मिला दानिश तैमूर के साथ काम करने का। लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया। वो कहती हैं कि शायद पहले मेरे पास इतना फेम नहीं था जितना कि कैसी तेरी खुदगर्जी में आकर मुझे मिला। वो शुक्र गुजार है अपने सारे फैंस की। नुमान एजाज कहते हैं कि उन्हें दानिश तैमूर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। पहले भी वो काफी दफा दानिश तैमूर के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें पता है दानिश तैमूर की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दानिश तैमूर किसी ड्रामा में काम करे और लोगों को वो ड्रामा पसंद ना आए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना मत भूले। ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।